अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इंजीनियर असद मुगल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल इंजीनियर सेटअप। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ रिजवान भाई मौजूद हैं जिनकी मॉडल टाउन में मोबाइल्स की शॉप है। तो हम इस वीडियो में सीखेंगे कि आप 20,000 से लेकर 30,000 तक कौन सा सेट अच्छा परचेज़ कर सकते हैं। ये मुख्तलिफ किस्म के मॉडल्स हैं हमारे पास, तो हम सब के रिव्यूज़ करेंगे कौन सा जो है ना कैमरे के लिहाज से, स्पीड के लिहाज से या गेमिंग के लिहाज से बेहतर है। तो हमारे साथ रहिएगा, वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपके जहन में कोई सवाल है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो जी रिजवान भाई, हमें बताएं कि 20,000 से लेके 30,000 के दरमियान की रेंज में कौन से सेट जो है ना वो अच्छे हैं और प्रोसेसर उनका अच्छा है और कैमरा वाइज जो है ना, आजकल आपको पता है कि हर बंदा कैमरे की डिमांड करता है, तो इनके बारे में हमें कुछ बता दें कि ये सेट कौन सा सबसे बेहतर है। जी, जैसा कि ये ओप्पो ने अभी लॉन्च किया है लेटेस्ट ही, इसकी 3 GB रैम दी इन्होंने और 32 GB इसकी मेमोरी है। मेमोरी के लिहाज से भी बहुत अच्छा है और इसकी प्राइस बड़ी अच्छी दी उन्होंने, 20,000 में दी है और इसके ब्यूटी मोड कैमरे हैं, आप इससे अपनी सेल्फी इतनी अच्छी ले सकते हैं और बैक कैमरा भी इसका अच्छा है, इसमें बूके मोड भी है। बूके मोड से ये होता है, आजकल लोगों का ट्रेंड है DSLR जो कैमरे शादी पे लोग प्रोफेशनल यूज़ करते हैं, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है कि आपकी पिक्चर्स का जो रिजल्ट है ना वो इतना अच्छा आ जाता है, बैक से थोड़ा धुंधला हो जाता है, सारा फोकस कैमरे का जी सारा फोकस आप पे आ जाता है कैमरे का, उससे रिजल्ट पिक्चर बहुत क्लियरली आ जाती है उसमें। तो ये ओप्पो A12 है, तो इसकी रीसेल मार्केट रीसेल के लिहाज से अगर देखा जाए तो वो आजकल जितने भी ब्रांड हैं इनकी रीसेल सबकी अच्छी है, क्योंकि इनमें प्राइस भी नॉर्मल, स्पीड और हर स्पेक्स इसमें अच्छे हैं, तो इसलिए रीसेल बहुत अच्छी है। तो दोस्तों, इसके अंदर ड्यूअल कैमरा है और बैटरी भी इसकी काफ़ी अच्छी है, 43 mAh बैटरी है इसकी, तो ये काफ़ी बेहतर लग रहा है मुझे। जी कैमरा इसका 13 मेगापिक्सल कैमरा है, तो ये फिंगर लॉक है इसमें जी, फेस लॉक भी है, फिंगरप्रिंट भी है इसके अंदर। तो इसकी कितनी प्राइस है? इसकी 20,000 तो 20,000 में तो बेहतरीन चीज़ है जी ये वाला। इसी तरह फिर उन्होंने एक ये लॉन्च किया है 31 के नाम से ना, इसमें इन्होंने क्या किया, इसकी रैम 4 GB कर दी और मेमोरी इसकी 128 GB है, 128 GB। जी आजकल पबजी का ट्रेंड है, बहुत गेम्स लोग खेलते हैं शौक से, उसमें यह है कि गेम मोड इसमें लगा हुआ है, इससे ये हैंग या स्लो नहीं होगा पबजी के दौरान, आजकल बहुत ये ट्रेंड चला है गेमिंग्स का, तो ये गेम के लिहाज से भी बहुत अच्छा है। इसका कैमरा कितना है पीछे? इसका कैमरा 16 MP है, 16 MP कैमरा जी, इसमें 3 कैमरे लगे हुए हैं, तीसरा कैमरा वाइड एंगल का काम कर रहा है, आपकी पिक बरी कर देता है वाइड एंगल में, अगर आप 4 लोग हैं 3 आ रहे हैं तो तीसरा कैमरा चारों को कवर कर लेता है, इसको वाइड एंगल बोलते हैं। सही, तो इसकी प्राइस कितनी है? इसकी 30,000 प्राइस दी है उन्होंने, 30,000। तो ये था जी ओप्पो के मॉडल हैं ये। तो अब ये वाला जो है जी Huawei Y7P, इसमें भी 3 कैमरे लगे हुए हैं, तो इसकी क्या खासियत है? इसकी खासियत यह है कि इसमें 48 MP इन्होंने दिया है, 30,000 की रेंज, 48 MP, इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा दे दिया जी, इसका 48 MP कर दिया है, फिर इसके बाद इसकी बैटरी थोड़ी फास्ट कर दी है, टिपिकल बैटरी है, चार्ज इसका थोड़ा फास्ट है, अच्छा वो जल्दी चार्ज कर देता है, 4000 mAh जी, 4000 mAh इसकी बैटरी है, चार्ज इसका जरा जल्दी फास्ट है कि जल्दी चार्ज कर देता है इसको। सही माशाल्लाह, इसमें कलर भी इन्होंने बहुत अच्छा दिया है, फैशन कलर है ये। तो ये जो कैमरे के शौकीन नजर आते हैं ये उनके लिए तो बड़ी बेस्ट चीज़ है। तो 3 कैमरे हैं इसके अंदर और 48 MP इसका जो है ना बैक कैमरा है, तो शेप भी इसकी देखें आप काफ़ी बेहतर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं पंच होल कैमरा है इसका जी, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, ये नया स्टाइल है। तो इसकी प्राइस कितनी बताई आपने? इसकी 29,000 कुछ भी नहीं है जी। तो ये वाला जी इसमें ये कौन सा गैलेक्सी सैमसंग जी, सैमसंग A10s है जी, इसके बारे में थोड़ा बता दें हमें। इस ये भी इन्होंने नॉर्मल रेंज में दिया सैमसंग ने, ताकि ये हर एक की पहुंच में आ जाए। इसकी 2 GB रैम और 32 GB मेमोरी है, इसकी प्राइस इन्होंने 20,000 रखी है। इसमें यह है कि इसका बैक कैमरा 13 MP है, 2 कैमरे हैं, वही बुके मोड आ जाता है साथ, और फ्रंट पे इन्होंने 8 MP दिया है, इसकी सेल्फी भी बहुत अच्छी है। बैटरी टाइमिंग कितना है? बैटरी इसकी 4000 है, 4000 जी, 4000 mAh इसकी बैटरी है, 2 SIM और 3 SIM मेमोरी कार्ड भी डल। वैसे तो हम सुनते आ रहे हैं कि सैमसंग के मोबाइल काफ़ी महंगे होते हैं, ब्रांडेड हैं,
तो ये आप बता रहे हैं कि 20,000 में अच्छी रेंज जी, नॉर्मल कीमत में उन्होंने बनाया है जी। सैमसंग के हैवी फोन्स भी हैं, लेकिन ये हर एक ही रेंज में लाने के लिए, क्योंकि कुछ लोग सैमसंग से बहुत मुतमिन है जी, तो इसलिए उन्होंने मिड रेंज में दिया है कि हर एक की पहुंच में आज, और नॉर्मल रेंज में उन्होंने ये निकाला है मॉडल। 2 GB इसकी रैम है और 32 GB मेमोरी है। सही है, बेहतरीन है जी। तो दोस्तों मुझे जो पर्सनली सबसे अच्छा मोबाइल लगा है ना, वो ये वाला है, ये जिसका Y7P हवावे का है, 48 मेगापिक्सल, और रैम मेमोरी भी अच्छी है इसकी, 4 GB इसमें रैम है और मेमोरी 64 GB है जी। तो बहुत अच्छी चीज़ है। तो मेरी तो अपनी रिकमेंडेशन ये वाला मोबाइल है, ये आप देख सकते हैं। तो बाकी आपकी अपनी, इसमें कलर भी बहुत अच्छे हैं, एक जेट ब्लैक है और एक ग्रीन कलर है। अच्छा जी, तो आजकल मेरे ख्याल से इसी का ट्रेंड जी, ये ट्रेंड है बिल्कुल, कलर फैशनेबल है। आपको पता है जिसका ट्रेंड होता है उसकी रीसेल मार्केटिंग भी होती है। तो आप ये वाला सेट जो है ना, इसको आप देखिएगा। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपके माइंड में कोई सवाल है, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।